कल साल का पहला सूर्य ग्रहण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है। हालांकि भारत में इस सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं होगा, ज्योतिषाचार्यों की माने तो कई राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का असर हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश हैं, किन किन देशों में इस सूर्य ग्रहण का असर होगा, जानिए इस रिपोर्ट में। इस दौरान सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है, चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जाने से रोकेगी और चंद्रमा की पूर्ण छाया पृथ्वी पर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, ज्योतिष के हिसाब से हर शख्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है। 54 साल बाद अद्भुत सूर्य ग्रहण दिखेगा। ये ग्रहण 8 अप्रैल को रात 9:12 पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात 2:22 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात 11:47 पर होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण की अवधि 5:10 की होगी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य ग्रहण का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिनचर्या रोज की तरह ही होगी। शास्त्रों के मुताबिक जहां सूर्य ग्रहण लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 तारीख को 54 साल बाद होने जा रहा है सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण जब होता है तो सभी को पता है कि जब राहु की संपूर्ण दृष्टि सूर्य पर होती है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण अक्सर अमावस्या को आता है और सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो उसके ठीक 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है, सूतक शुरू हो जाता है। सूतक का महत्व ये होता है कि सूतक में कोई ऐसा काम न करें जो कि कहीं ना कहीं से शास्त्रीय परंपरा से अलग हो और शास्त्रीय प्रदूषित हो, तो इसका विशेष ध्यान रखें। जिन देशों में सूर्य ग्रहण दिखने वाला है उनमें कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका में तो सूर्य ग्रहण को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाई यातायात और एयरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में ग्रहण के दौरान स्कूल बंद रहेंगे। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वजह से पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। सोमवार 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण। चैत्र नवरात्र से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रहण। मीन राशि रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और कुछ राशियां हैं जिन राशियों पर भी इसका असर है। सबसे पहले हम समय जान लेंगे कि भारतीय परंपरा के अनुसार जो ही यहां पर रात में 9:12 से लेकर और 11:57 तक का समय इस समय रहेगा ग्रहण का, लेकिन ये बाहर के देशों में रहेगा। फिलहाल भारत पर कोई सूतक का ऐसा कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन कुछ राशियां हैं अगर सूर्य ग्रहण है तो राशियों पर उसका असर जाता है, जैसे कि वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है और कुंभ राशि है। इन 3 राशियों पर इसका विशेष असर रहेगा देखने को मिले। अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।